तो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं एक मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ। उस मूवी का नाम है सरदार उधम, जो हाल ही में 16 अक्टूबर 2021 में रिलीज़ किया गया। जो इस मूवी को सुजीत सरकार ने डायरेक्ट की है। आप लोग ज़रूर इस मूवी को देखिए। इस मूवी में विक्की कौशल ने जो एक्टिंग की है, वो दाद देने वाली बात है। सिनेमा जगत में जो ज़्यादातर नाच गाना का माहौल रहता है, लेकिन ये मूवी कुछ और ही लेवल की है, क्योंकि इस मूवी पे भरपूर ट्रू फीलिंग आपको मिलेगा। सरदार उधम का स्टोरी हिस्ट्री पे आधारित है। 13 अप्रैल 1919 पे जो पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग पे जो दर्दनाक घटना घटी थी माइकल डी वायर के द्वारा, वही घटनाएं को सामने रखकर ये मूवी बनाया गया। इस मूवी पे दिखाया गया कि एक 18 साल का लड़का जिसका नाम शेर सिंह है, वो कैसे सरदार उधम बन गया। और इसी घटना की इस मूवी चलते चलते दिखाया गया कि एक आम लड़का कैसे फ्रीडम फाइटर बन गया अपने देश के लिए। और रही हिस्ट्री को इस मूवी के दौरान जीवन दिया गया। ये मूवी बहुत ही अच्छी है। आप लोग ज़रूर देखिए इस मूवी को, आपको पसंद आएगा। आप IMDb का रेटिंग इसका देखेंगे तो इसका 10 में से 9.2 मिला है इसको, इस मूवी को। आप ज़रूर इस मूवी को देखिए, और कैसे लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके मुझे बताना, आपको अच्छा लगे तो। इस मूवी का पूरी डिटेलिंग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि डायरेक्टर सुजीत सरकार जो है, वो कुछ ऐसे बताए थे कि वो फिल्म को लेके कुछ भी कंट्रोवर्सी नहीं चाहते हैं। इसीलिए इस मूवी को बहुत अच्छे से उन्होंने डायरेक्ट किया है। आप प्लीज़ इस मूवी को देखिए, और ज़रूर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक कर देना, और शेयर भी कर देना। अगर ज़रूरत पड़े तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।